प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की भले ही औपचारिक घोषणाएं ना की गई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। ऐसे में इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं और उनसे हम पूरे संगठन की बात करेंगे, प्रत्याशियों की बात करेंगे और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता पार्टी उतर रही है मैदान में, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, प्रत्याशी अगर ज़्यादा दावेदार हुए तो उन्हें कैसे मनाया जाएगा, पथाया जाएगा, ये सब हम इस पर हम बात करेंगे जिलाध्यक्ष महोदय जी से। सर, बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो यही है कि जब 8 के 8 विधायक पिछली बार आपने लिए थे तो इस बार कितनी चिंता है इसे बनाए रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है और आपके लिए केवल पाना है, खोने के लिए बहुत कुछ है, तो कैसे इसे मैनेज करेंगे और क्या है आपकी रणनीति? निश्चित तौर पर 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा ने 8 सीटें जीती थी और 2023 में हम पुनः एक बार 8 सीटें जीतेंगे और इस इतिहास को, जो इतिहास है, इस रिकॉर्ड को अपना मेंटेन रखेंगे। इसके लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हमारा जो संगठन है, वह कोई चुनाव आया तभी सक्रिय रहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में हमने बूथ तक, बूथ से नीचे पेज प्रमुख तक खड़ा किया है और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो हमारी सरकारें हैं, केंद्र में हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश में हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार है, इन सरकारों के द्वारा जो जनहित में जन कल्याणोन्मुखी काम हुए हैं उनको लेकर देश का विकास, प्रदेश का विकास, जिले का विकास, हमारे ग्राम का विकास और लोगों का जो विकास और लोगों के जीवन स्तर को बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर हम पुनः 8 सीट जीतेंगे। कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि उनके संगठन से है और उनके ये कहते ही अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके संगठन में भी मजबूती आ गई है, वो भी BLA ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप इसे चुनौती के तौर पर देखते हैं, जिस तरह से कांग्रेस अपनी पुरानी रिवायतों को छोड़कर नए तरीके के संगठन को विकसित कर रही है उसे लेकर? देखिए, दो विषय आपने कहे, एक तो पहला संगठन से उनको डर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और यहाँ संगठन ही चुनाव लड़ता है, संगठन ही चुनाव जीतता है। यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता, हमारे कार्यकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं रहता, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जिसे भी तय करता है उसके लिए पूरा संगठन लगता है और एक एक कार्यकर्ता पेज प्रमुख से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब उसी को जिताने के लिए काम करते हैं। दूसरा, कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस कोई मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे नहीं लगता कहीं कांग्रेस है कहीं भी। मैं जिले के अंदर अपने शक्ति केंद्रों तक, मतदान केंद्रों तक नीचे तक जाता हूं, मुझे कहीं भी कांग्रेस जैसी कोई चीज नहीं है। और कोई भी विषय है नकल से नहीं होता है, उसके लिए एक तपस्या होती है, उसके लिए एक प्लानिंग होती है और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा पिछले 3 सालों 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह प्रदेश के अंदर संगठन को गढ़ने का काम हुआ है, बूथ विस्तारा की योजना 1 के तहत हमने अपने प्रत्येक बूथ तक फिजिकल और डिजिटल सत्यापन किया। ये अपने आप में हिंदुस्तान के, दुनिया के इतिहास में किसी संगठन के द्वारा सबसे बड़ा योजना होगी या सबसे बड़ा काम होगा कि एक एक बूथ तक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जहाँ हमारे बूथ के अध्यक्ष हों, महामंत्री हों, BLA हों या बूथ की हमारी समितियां हैं, हमने फिजिकल तो किया ही, साथ ही उनका डिजिटल जाकर उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से जाकर कार्यकर्ताओं ने पेज प्रमुखों तक का काम फिजिकल और डिजिटल किया है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख पेज प्रमुख बनाए गए, उसमें रीवा जिला भी हमारा, हमने 64,000 से ज़्यादा पेज प्रमुख बने हैं। और इसको लेकर हमारा पूरा कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, 12 महीने 24 घंटे 7 दिन एक्टिव मोड में रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे चुनाव आया तो हम चुनाव, कांग्रेस में ये हो सकता है कि चुनाव के समय आए, चुनाव के समय निकलते हैं, उसके बाद 4.5 साल तक गायब रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में रहती है, जनता के सुख दुख में रहती है और संगठन हमारा सदैव काम में रहता है, चाहे सरकार की उपलब्धियों को लेके जाना हो, संगठन के विषय लेके जाना हो,
जनता के मुद्दों को लेकर जाना हो, जनता की भलाई के लिए हो, तो हमारा संगठन 24 घंटे 360 दिन लोगों के बीच में काम करता है। इसलिए चुनाव के लिए मुझे अलग से कोई तैयारी करना ऐसा कभी नहीं होता, हम तो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आपने तमाम संगठन की मजबूतियां गिनाई और जाहिर तौर पर ये तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं, लेकिन गुटबाजी जो है वो पहले कांग्रेस की एक परंपरा थी, वहाँ अलग अलग नेताओं के नेता होते थे, उनके अंडर में नेता काम करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुटबाजी आपके पार्टी में भी धीरे धीरे ऐसी चर्चाएं होने लगी, आम चर्चाएं होने लगी हैं कि ये फलाने नेता के व्यक्ति हैं, ये दूसरे नेता के व्यक्ति हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं रीवा में? भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के द्वारा जो भी निर्णय होते हैं, जिला संगठन के द्वारा जो निर्णय होते हैं, सब लोग मिलजुल कर उन कामों को करते हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है उसके लिए हम सब एकजुट होकर लगते हैं और चुनाव में भी हम सब एकजुट होकर लगेंगे और 8 सीटें जीतेंगे। एक सवाल है, कांग्रेस के एक नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, या यूं कहें कि पुनर्वापसी हुई उनकी भारतीय जनता पार्टी में, अभय मिश्रा हैं, दोनों पति पत्नी विधायक रह चुके हैं सिमरिया से, एक बार फिर से वो सिमरिया विधानसभा चुनाव में आए हैं, अब देखना है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है, तो उनके आने से किस तरह का प्रभाव आपकी पार्टी में पड़ा है? निश्चित तौर पर अभय मिश्रा जी और श्रीमती नीलम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सिमरिया विधानसभा का नेतृत्व किया था, दोनों विधायक रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व के हाथों उन्होंने अभी सदस्यता ली है या उन्होंने सदस्यता प्रदान की गई है। इसे तो मैंने पहले भी कहा था, मैं इसे घर वापसी की तरह देखता हूँ और निश्चित तौर पर कोई हमारा अपना विधायक पूर्व विधायक रहा है और वापस आएगा तो कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। और एक ही विधानसभा में अब दावेदार बढ़ गए हैं, क्या वो दावेदार हैं सिमरिया के आपकी नजर में? निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा समय वह माना जाएगा, अच्छी स्थिति तब मानी जाएगी जब एक एक विधानसभा में दो दो चार चार आठ आठ कार्यकर्ता उस स्तर के हों जो विधानसभा लड़ सकते हों। इसका मतलब कहीं ना कहीं संगठन हमारा सुदृढ़ है, संगठन हमारा मजबूत है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पास नेताओं की फौज है और हर विधानसभा में इस स्तर के चार चार छः छः कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर राजनीति में जो आए अपनी अपेक्षाएं होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में जहां तक रही बात दावेदारी की, कोई दावेदार नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में, कोई दावेदारी नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी में, कोई बायोडाटा कल्चर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। संगठन जिसे उचित समझता है उसे तय करता है और सभी लोग मिलकर उसे जिताने का काम करते हैं। एक सवाल यह है कि आप भी लगातार काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का मतलब आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं, क्या आपकी भी महत्वाकांक्षा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरे? अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और एक सामान्य कार्यकर्ता को, मैं कहीं भी जिला अध्यक्ष में भी दावेदार नहीं था, पार्टी को लगा कि अजय सिंह को जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व देना चाहिए, तो अभी तो मेरी प्राथमिकता ये है कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है, जिसने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस दायित्व को उस विश्वास पर खरा उतरूं और अच्छी तरह पार्टी का काम करूं, संगठन को एक नई मजबूती प्रदान कर सकूं और फिर से हम 8 सीटें जीतकर प्रदेश की झोली में डालें या अगली सरकार बनाने में हमारे बिंद रीवा जिले से फिर 8 विधायक जाएं। दूसरा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है अब की बार 200 पार, तो उसी के अनुक्रम में मैंने दिया रीवा फिर से 8, तो मेरा लक्ष्य है रीवा फिर से 8। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि इस बार आपके संगठन ने, आपके नेतृत्व ने तमाम मापदंडों को धराशायी कर दिया है कि अगर आप ज्यादा उम्र के हैं तब भी टिकट मिलेगा, अगर आप किसी पद में हैं तब भी टिकट मिलेगा, आप पार्टी में नहीं हैं तब भी टिकट मिल जाएगा, बाद में पार्टी में शामिल कराया गया, ऐसा भी एक मामला सामने आया, तो इसलिए मेरा सवाल था कि आप चूंकि पद में भी हैं और हो सकता है आपकी महत्वाकांक्षा भी हो तो इस बार भी टिकट आपको मिल सकता है, तो स्वीकार कर लेंगे अगर नेतृत्व का ऐसा निर्णय हुआ तो? नेतृत्व का कोई भी निर्णय हो, नेतृत्व का कोई भी निर्णय होगा, बूथ अध्यक्ष बनाने से लेकर कोई भी, वो सारे निर्णय हमें सुधार होंगे और निश्चित तौर पर पार्टी आदेश देगी कि आपको चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ूंगा। तैयारी भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है और पार्टी जिसे तय करती उसे सब मिलकर चुनाव जिताते हैं। एक
बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लगभग 2 दशक बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम रीवा है वो काबिज होने के बाद इस बार वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। तभी से कांग्रेस को थोड़ी संजीवनी मिली और उन्हें ये लगने लगा कि विंध्य क्षेत्र में भी अब वो अपना पैर पसार सकते हैं और ज्यादा दावेदार या ज्यादा प्रत्याशी जिता सकते हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं जबकि 10-12 हजार वोटों से यहाँ के नगर निगम पद जो है वो कांग्रेस के हाथों में गया है, तो इसका कितना नुकसान आप देखते हैं? यह जो महापौर चुनाव की आप बात कर रहे हैं, इस राजनीति के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। एक तो जो हमारा चुनाव हुआ, मुझे जो वोट मिले 37,000 से ज्यादा वोट मिले। पिछले जो हमारे चुनाव थे, श्रीमती ममता गुप्ता जी, बीरेन गुप्ता जी, शिवेन सिंह जी, उनके आशा सिंह जी, राजेंद्र ताम्रकार जी, ये जितने भी हमारे महापौर हुए हैं, सब 35 या उससे नीचे ही वोट पाए थे। तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बढ़ा है, हमारा वोट बढ़ा है, फिर भी हम चुनाव हारे हैं। तो आज देश के अंदर जो एक ये राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो देश की प्रगति नहीं चाहती, जो देश का तरक्की नहीं चाहती, देश विश्व गुरु बने नहीं चाहती है, उनका अपने निजी स्वार्थ तक सीमित है। और वो अपने निजी स्वार्थ तक में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लग सकते हैं, हम ये करेंगे वो कर सकते हैं, वो आतंकवादियों के भी साथ दे सकते हैं, वो देश विरोधी शक्तियों के भी साथ दे सकते हैं। और ऐसी जितने ताकतें हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जो भी हैं, ये सब एक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं रीवा का ये जो चुनाव है, इसने मुझे कहीं ना कहीं सावधान किया है। और मुझे ही नहीं, इसके लिए पूरी जिले की, प्रदेश की, देश की जनता को भी सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की राजनीति दुनिया के देश के अंदर दिखाई दे रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बढ़ गया है, नरेंद्र मोदी जी भी आज दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, दुनिया के सबसे फेमस नेता हैं, दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। और ऐसे नेता हैं जो कि आज तक, हमको नहीं लगता इस विश्व के इतिहास में किसी भी देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 14 देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा हमारा भारत रत्न है, उस तरह के 14 देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से माननीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। और इस कैटर के नेता के लिए जितने अब ये शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, वो सब एक हो रही हैं। क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या किया क्या है, उनका रोजगार बंद हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक बार और मध्य प्रदेश में सरकार आई और एक बार और केंद्र में जहां सरकार आई, उसके बाद इनकी दुकान स्थायी तौर पर बंद हो जाएंगी। और मैं ये आपसे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2023 में मध्य प्रदेश में, 24 में केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तो जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो कांग्रेस मुक्त भारत आपको 24 मई के बाद देखने को मिलेगा। दो बातें समझ में आई। एक तो ये आपने कहा कि ये जो चुनाव था ये हमारे लिए एक संदेश के तौर पर था, ये इसे हमने सीख ली है और ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन इसमें देश विरोधी और आतंकवादी ताकतें कहाँ से आ गईं? मतलब नहीं, रीवा के चुनाव की अगर मैं बात मैं करूँ। रीवा के चुनाव की बात नहीं कहा, मैंने कहा है कि ये जो चल रहा है, इसे पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और रीवा हमारा प्रदेश से बाहर नहीं है, देश से बाहर नहीं है। आप जहां भी, बंगाल के अंदर क्या हुआ, छिपा नहीं है, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, छिपा नहीं है, कांग्रेस सरकार बनने के दूसरे ही दिन क्या हुआ, क्या निर्णय हुए, किस तरह के नारे लगे, किस तरह के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं, रीवा ने मुझे सीख नहीं दी है, पूरे देश में जो चल रहा है राष्ट्र विरोधी ताकतों का एकजुटता, विदेशी फंडिंग आ रही है, तो उसका असर रीवा तक भी पहुंचने लगे, इससे हम सबको आगाह होने की जरूरत है। रीवा के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ। कि इसीलिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरू शर्मा जी ने, हमने नारा दिया है 51% वोट का नारा दिया, और हमारा लक्ष्य अब 51% है। क्योंकि 51 से नीचे में हम इनको कोई अब वही नहीं है, क्योंकि ये सब जितने हैं सब एक होने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह मोदी रोको, मोदी रोको, शिवराज रोको, तो अब हम भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, रीवा की जनता ये समझ गई है कि अगर देश की, प्रदेश की और जिले की कोई तरक्की कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें ही कर सकती हैं। क्योंकि अब रीवा की बात कर रहे हैं, तो मैं दो शब्द और कहूंगा, 2003 के पहले रीवा की स्थितियां क्या थी, आज 2023 में रीवा की स्थितियां क्या हैं, प्रदेश की स्थिति 2003 के पहले क्या थी, आज प्रदेश की स्थिति क्या है। अभी मैंने परसों ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से 20 तारीख को हमारे
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 20 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है। मैंने कल रीवा में भी परसों ये रिपोर्ट कार्ड रखा है और राजनीति के अंदर हमने एक पारदर्शिता और शुचिता लाने का काम किया है कि अगर जनता ने हमें अवसर दिया है तो हमने 20 साल में क्या किया वो जनता के सामने होना चाहिए और हमने वो रखा है। और रखा है तो कांग्रेस के 2003 के पहले आजादी के 56 सालों में ज्यादातर समय में कांग्रेस रही है सरकार में, तो वो 56 साल और हमारे 20 साल हमने सामने जनता के सामने रखा। 20 साल में हमने क्या किया, कांग्रेस में दम है तो 56 साल का हिसाब रखे और बताए। अब जबकि आप कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि 56 सालों में उन्होंने क्या किया अपना हिसाब बताए, तब एक सवाल उनकी तरफ से ये आता है कि सबसे ज्यादा घोटाले ही घोटाले करके अभी कमलनाथ जी ने एक कैंपेन भी चलाया है कि मध्य प्रदेश में हर जगह घोटाले हैं, 50% कमीशन की बात कही है कि 50% कमीशन में काम होते हैं, तो इन सब चीजों का जवाब आप जनता के बीच कैसे देना चाहेंगे? मैं कहता हूं गारंटी कमलनाथ जी को चुनौती देता हूं, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, मुझे कहना ना चाहिए कमलनाथ जी एक घोटाला मध्य प्रदेश का बता दें, जनता के सामने रख दें, और उनके 20 लाख करोड़ के घोटाले इस देश के अंदर जनता ने देखा है, उनके नेताओं ने देखा है, नेताओं ने जेल की हवा तक खाई है और दुनिया के सामने है। कहना कुछ भी कांग्रेस के चाहे कमलनाथ जी हों चाहे दिग्विजय जी हों, यह सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, फरेब करते हैं, जालसाजी करते हैं, लोगों को छलने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं ना 15 महीने की आपकी सरकार थी, आप बताइए ना 15 महीने में आपने क्या किया, कितने युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, कितने किसानों को आपने कर्जा माफ किया, आप बताओ ना। मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 सालों में क्या किया, जनता के सामने हमने रखा। अब 15 महीने को बता दो, 56 साल तो छोड़िए, आपने एक भी काम किया हो, आपने जो भी अपना घोषणा पत्र कहा था उसमें एक भी वादा आपने पूरा किया हो, हमने वादे पूरे करके दिए हैं और जनता के सामने हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। रीवा में आपने एक वादा किया कि 51% वोट शेयर की बात कही है, लक्ष्य की बात कही है, तो रीवा में 8 विधानसभा में कौन सी सीट सबसे ज्यादा मजबूत और कौन सी सीट में आप थोड़ा सा भी कमजोर, ऐसे ईमानदारी से बताइए। मेरे लिए सभी 8ों सीटें मजबूत हैं, हम सभी 8ों सीटें जीत रहे हैं। जिस तरह पिछली बार जिन सीटों को हम 7,000-8,000 वोट से जीतेंगे जीते थे, उन सीटों को हम 15,000-20,000 वोट से जीतेंगे, जिन सीटों को हमने 18,000-20,000 वोट से जीता था उनको 25,000-30,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। अभी कितने विधायकों के टिकट कटने वाले हैं रीवा के, ये मेरा विषय नहीं है, मैंने पहले ही कहा प्रदेश नेतृत्व तो केंद्रीय नेतृत्व तो, जिसे भी तय करेगा वही हमारा प्रत्याशी होगा और उसे हम सब मिलकर जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह जिलाध्यक्ष, तमाम सवालों के बड़े ही स्पष्ट जवाब उन्होंने दिए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों के बड़े स्पष्ट तौर पर जवाब दिए और एकमात्र बात कही जो उनका कंक्लूजन रहा है कांग्रेस पर तो को सवाल किए ही है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 51% वोट शेयर और 8 की 8 रीवा विधानसभा का जो इन्होंने इनका अपना लक्ष्य है, बाकी प्रदेश स्तर पर 200 सीटों का लक्ष्य है। अब देखना है कि जनता इनके इस लक्ष्य को किस तरह से लेती है और एक बार फिर से 2023 के जब चुनाव हो जाएंगे इसका रिजल्ट किन की ओर जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, नमस्कार।